तोते का जवाब मैना हूँ। दिन खत्म हुआ रजनी आई और सूर्य अंतर्धान है, इत तोता मैना उसी पेड़ की डाली पर आए बैठ गए। तोता बोला है मैना से कल तुमने मुझे हराया था, तोता बोला है मैना से कल तुमने मुझे हराया था, गद्दार नीच बेशर्म बता कर दो को फूल लजाया था। कल तुमने मेरे लिए बहुत लजाया था, आज रात की कहानी में मैं नारियों के बारे में बताता हूँ। इतने में मैना कहने लगी, मैं भी पूरे गुरु की चेली हूँ, तुमसे पीछे नहीं। इतने में तोता फिर कहता है, रतन दीप एक शहर है बता अतमारी सारे दार बता अतमारी। अंगद जब के दरपति एक बाकी राज को मार मार एक बाकी राज को। तोते ने कहा, रतनपुरी रतनदीप एक शहर है, वहां अंगदध्वज नाम के राजा राज करते थे। उनके एक लड़का था जिसका नाम रणवीर सिंह था। तो रणवीर सिंह ने एक दिन विचार किया कि मैं शिकार खेलने को जाऊंगा, तो अपने यार को साथ में लेकर चंद्रदत्त को जंगल की ओर निकल पड़ता है। एक दिन रणवीर सिंह दिल अपने में ठान लिए, खेल न जा शिकार बनिए, आई रतना निकल पड़ा जंगल की ओर बहुत दूर गया।
बाड़ ले लिया रे कुंवर ने घोड़ा दिया भगाई छोड़े नहीं है पिछारी को एक बड़ी झाड़ी में जाकर रड़े गायब हो जाता है इधर उधर घोड़ा दौड़ाया नजर कहीं नहीं आता है अब दो यार उस हेड का पीछा करते जा रहे हैं तो चलते चलते वन में पहुंचते हैं। रणवीर सिंह व्याकुल हो जाता है तो घोड़े को भेज रोक देता है और चंद्रदत्त उस हिरण का पीछा करता चला जा रहा है। इधर रणवीर सिंह व्याकुल हो गया तो क्या देखता है, एक तालाब खुदा हुआ है, उसमें सुंदर नील भरा हुआ है। घोड़ा दीना बाद पेड़ से जीने उतारी पर जतर बैठ गया है कीड़ लगा ली घोड़े रणवीर सिंह उस वन की शोभा को देखकर सोचता है कितनी कितनी सुंदर फुलवारियां इस वन में है। देखे कुमार ब्रज पर बैठा शोभा वन की कई अनजाय देखे कुमार ब्रज पर बैठा शोभा वन की अपरंपार चारों तरफ ताल के लिखे सुंदर खिली हुई एक नार गेंदा गुलाल और गुलदस्ता खिले चमेली के रेयद फूल बड़े बड़े ब्रज संगर हो रहा है इन पर भारी रहे हैं बोल रहे मोर तोता नाम राम के लेवत जैसे बोलत सब गजकोर राजकुमार अपन की शोभा को बैठा बैठा रहा यार देव रूप से स्त्रियों का आया झुंड एक छड़दार इधर उधर है संग सहेली बीच में सुंदर राजकुमार मस्ती हरी चाल में झूमत आवे हाथी की प्यार
कमर कटीले लेना जुल्फैना गिरे लहराए गोरी गोरी बनिया नरम कलैया चेहरा गिरी सारे दुकान देखिए राजकुमार उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ ससरा रहा था उधर। अरे देख सकने को झुंड कुमार ये सोच रहा मन में इतनी सुंदर नार कहां से आए रही है मन में भरी मद मस्त जवानी में कपड़े रखे और थार नहाए देखो फंस गई पानी में सारी सहेलियां कपड़े उतार कर किनारे पर रख देती है और जल में नहाने को दस जाती है। उधर राजकुमार इन स्त्रियों के रूप को देखता है में नाय बने सपड़ा कहीं के कहीं पर बानन लागी राजकुमार कपड़ा उधर राजकुमारी की नजर पर राजकुमारी की नजर उस राजकुमार पे पड़ती है और राजकुमार की नजर उस राजकुमारी पे पड़ती है तो दो इधर उधर से एक दूसरे पर दीवारे हो जाते हैं। राजकुमारी उस ताल में से निकल करके अपने कपड़े बांधती है तो कहीं के कहीं कपड़े बांधती है और उसे कुछ नहीं सुहाता है। विरह में ऐसी मस्तानी अरे हटो पवन से चीर भयो जैसे कौदा आसमानी बदल से चीज हट जाता है तो दिल्ली के कौंडा जैसा लपाका होता है। राजकुमार इस लपाके को देखकर पछाड़ खा के गिर जाता है। इधर राजकुमारी पछाड़ खा के गिर जाती है। ये हाल को देखकर उसकी संगी सहेली कहने लगी हाल लख बोली सहेली जे मुझको बतलाए हाल का तेरो भाई राजकुमारी से पूछने लगी अरे बहन तेरे लिए क्या हो गया तो इतने में राजकुमारी कहती है अरे सहेलियों अरे मत पूछे ये बात बहन कुछ कही न जाती है जो बर भरत है नोर मुसीबत सही न जाती है भाइयों हमारा आने वाला प्रोग्राम हत्यारे सास ससुर बेदर्दी माँ बाप राज कैसेट के द्वारा सुनिएगा। अरे किया नजर से घायल मुझको घोड़े वाले ने लीला है दिल छीन मेरा उस घोड़े वाले ने भरत है लोर मुसीबत सही न जाती है
सहेलियों, देखिए ये घोड़े वाला राजकुमार कितना सुंदर है। मेरे लिए तो यही मालूम पड़ता है मैं इसके साथ चली जाऊं। तो इतने में सहेली कहने लगी, अरे बहन राजकुमारी, अरे परदेसी से प्रीत करे तो शर्म दया दी है, इज्जत को तू दाग लगाती है। पता ठिकाना गजब से तम अफसोस, तेरा दिल उस पर हुआ दीवाना। अरे जाता कहा पता नहीं भाई पति बनाती है, माता की इज्जत में तू दाग लगाती है। जात पात का कोई पता नहीं, तू इसके लिए पति बनाना चाहती है। मेरे दिल को सकी तू जला दे, जला दे मती, जला दे मती, मेरे दिल को सकी तू जला दे मती। काली काली जुल्फियों ने मलहर लिया, झूठ बोलू नहीं मैं सकी एक रती, बोलू नहीं मैं सकी एक रती, उस पर देसी को मैं बनाऊं पति। इस तरह से राजकुमारी को नाना प्रकार से सहेलियों ने समझाया। इतने में राजकुमारी ने एक फूल तोड़ा और फूल सर से उतार करके कान से लगाया, कान से लगा करके छाती पर लगाया, छाती से लगा करके पैर के तलवों के नीचे दबा दिया और राजकुमारी सहेलियों को साथ में लेकर वहां से चली जाती है। उधर चंद्रदत्त उस घोड़े को हिरण के पीछे दौड़ाता चला गया तो वापिस लौट के आता है तो उस पेड़ के नीचे क्या देखता है, राजकुमार रणवीर सिंह और सहेलियों को जाता हुआ देखकर बेहोश हो जाता है और वहीं पछाड़ खा के गिर जाता है। उधर से उसका यार आता है चंद्रदत्त, तो अपने यार को देखता है तो कहता है, भैया अरे कैसी उदासी तो छाई रे बतला मेरे भाई रे। कैसी उदासी तो छाई रे बतला मेरे भाई रे, मेरे यार का है बोले कौन लगात नैन भोले, मेरे यार का भोले कौन लगात नैन भोले, तुए कहाँ से मंगाऊ मैं दवाई रे बतला मेरे भाई रे। कैसी बोला तू तो खाई रे बतला मेरे भाई रे। अपने यार से कहता भैया तुझे क्या हो गया क्यों नहीं बोलता। इतने में रणवीर सिंह अपनी आंखें खोलता है और अपने यार को देखता है तो कहने लगा भैया, कहता है
अरे देखो वो तालाब खुदा जम नीर दिखाई दे, उसमें नहाने वाली की तस्वीर दिखाई दे। किया है रण का पीछा मैंने हुआ खुशक लब मेरा, यहाँ बैठ आराम किया मैंने देखा ब्रज घनेरा। देवोग से स्त्रियों का झुंड एक में थी एक राज तुम्हारी इसी ताल मेरे लाया, उसके बिन मैं नहीं जीऊंगा, अरे उसके बिन मैं नहीं जीऊंगा। आखिर दिखाई दे इसमें नाने वाली फिर तस्वीर दिखाई दे। उनमें स्त्रियों ने इस जल में स्नान किया और मुझे तड़पता छोड़ के चली गई। मैं भाई जब तक वो राजकुमारी नहीं मिलेगी तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगा। तो चंद्रदत्त पूछता है उन्होंने कोई पता बताया, तो कहने लगा पता कुछ नहीं बताया, मगर इतना किया सिर से फूल उतार कर छाती लिया लगाए, सिर से फूल उतार कर कानन लिया लगाए, फिर छाती पर धर उसे और पामन दिया दबाए। इतना इशारा किया, इतने में चंद्रदत्त ने कहा अरे भाई तू उसकी बात को पहचाना नहीं, उसने जो कानों से फूल लगाया तो वो कर्नाटक की रहने वाली है, कर्नाटक के राजा की राजकुमारी है, और जो छाती से फूल लगाया वो तेरे लिए दिलो जान से चाहती है, और जो पैरों के नीचे दबाया उसका नाम है पद्मावती, तो तू उससे शादी करना चाहता है तो चल यार तेरे उससे शादी जरूर करा दूंगा। दो यार वहां से घोड़ों पर सवार होकर चल देते हैं और कहते चलो कर्नाटक को चलते हैं। अरे ऐसे क्या कर दो यार ने पलकी की नींद आए अवार, कर्नाटक की मोरे चलती होकर कर्नाटक में यार सुंदर एक बगीचा माया तो बाबर कहीं ना जाए। चारों तरफ क्या पर फूला छोटे छोटे खुरे ताल, निर्मल जल से भरे हुए शीतल छाया कर रिकमाल, बढ़िया जगह देख बगिया की अंदर पाते तो नया पर लगा बैठ गए दोनों घोड़ा बांधे पेड़ की अडार। समय शाम का होने आया माल ने भापर
सवार में है बगिया की और दोना के नाट्य काल। देखिए तो राजकुमार कर्नाटक में पहुंचते हैं तो वहां राजा का जो बगीचा था उसमें भो सुंदर छाया है, निर्मल जल है। दो यार घोड़ों को बांध देते हैं और उस बाग में विश्राम कर लेते हैं। इतने में मालिन आई और मालिन ने कहा, तुम दोनों कौन हो? यहाँ जनाना बाग है। तो मालिन कह रही है, ओ मुसाफिर जनारे बगीचे में आ, कैसे रुकने की हिम्मत तुम्हारी पड़ी? अभी बुलवा सिपाही न देरी करूं, पैनवासी हो दोनों को मैं हथकड़ी। रणवीर सिंह ने पांच असर पी, जेम से तुरंत निकाली है, दे दही हाथ में मालिन के, नहीं पन की करी आवारी है। मालिन ने मन में सोच लिया, किसी राजा के सुकुमार है ये, जाना चाहिए घर अंदर अर खातर कर सवार है ये। अब घर अपने को विवाद ही घोड़े बांधे घोड़ सारों में खातर इनकी की बनाए मानो की तो देखिए दो राजकुमारों के लिए मालिन ने बड़े प्यार से जो पांच असर भी दे दी तो अपने महलों में रोक लिया। रणवीर सिंह मालिन के यहाँ रहता है और उधर पद्मावती, जब से राजकुमार को उसने उस सरोवर पे देखा था तब से उसके लिए उसी की याद रहती है। खाना पीना सब छोड़ दिया है और राजकुमारी उस रणवीर सिंह की याद में हर वक्त पड़ी रहती है। तो सारी सहेलियां राजकुमारी को समझाती है, कहती है, बहन सब छोड़ उदासी जरवल है गौ सकल शरीर, बहन सब छोड़ उदासी जरवल है गौ सकल शरीर। बहन अब रुत बसंत की आई, अरे ले गीत बलारे गाई, अरे खुशी के गीत गाए ले काहे पटार नैनन मेरा। तेरा दिल परदेसी पर दीवाना, नहीं कोई उसका पता ठिकाना, भूल जा परदेसी को भर ले एक दिल अपने में वीर। इतने में सारी सहेलियां समझाती हैं तो पद्मावती नाराज होकर सारी सहेलियों के लिए फटकाने लगती, कहती है, अब ना सताओ मेरी बहना तू मान सही, अब ना सताओ मेरी बहना तू मान सही, जब से गही मैं सरोवर पे नहाने, जब से गही मैं सरोवर पे नहाने, तब से वाहे चार नैना तू मान सही, अब ना सतारो मेरी बहना तू मान सही। राजकुमारी सहेलियां पद्मावती के
माता के पास जाती है। पदरावत को हाल देख सब सखिया घबराई, माता के जाए पास हकीकत सारी बतलाई। और ना कुछ मकसद कहती चौसठ घड़ी आज राखों पर देसी की रहती। अरे कर दीजे शादी, अरे जो न मानो कहन पिया हो घर की बर्बादी। बेहतर उसे सताती है, अरे है कोई राजकुमार हाउस के सग चाती है। रानी ने बताया राजा के लिए, राजकुमारी सखियों के साथ में सरोवर में नहाने गई, वहां कोई राजकुमार देखा है उसके साथ में शादी करने को तैयार है। इतने वचन को सुनकर राजा ने कहा, सुनत ही राजा घबराए, है कोई राजकुमार पूछ तुम। सुनत ही राजा घबराए, अरे है कोई राजकुमार पूछ तुम देख से आओ। कन्या का अपराध नहीं हम सर पर लेंगे। राजा ने कहा, राजकुमारी से पूछ के आओ कौन राजकुमार है। इतने में रानी कहती है, पता कुछ नहीं बताती है, अरे घोड़े वाले राजकुमार की याद बताती है। रानी ने कहा, पता कुछ नहीं बताती है, तो राजा ने कहा, जब किसी आदमी का पता निशान नहीं तो कहां शादी कर देंगे। तो राजा रानी इस तरह से यहां सस्पंज में पड़ जाते हैं और यहां का किस्सा छोड़ करके अब मैं उधर मालिन के यहां रणवीर सिंह रहता है वहां के हाल को सुनाता हूं। यहाँ का किस्सा यहाँ पर छोड़ू, आगे सुनिए सब सरदार। मालिन इतबागा पूछे पद्मावत को सुंदर हार। इतने में मालिन कहने लगी, इतनी सुन मालिन हंस बोली, है राजा की राजकुमार, नाऊंगी ले जाकर परदेसी में सुंदर हार।
सुन कर चंद्र दक्षले पाचे असरती दैवे निकार एक हमारा परचा ले जाओ राजे कुमार को दिया रे भाई राजकुमारी को मालिन ने बताया ये सुंदर हार मैं राजकुमारी को ले जा रही हूँ। सारी सहेलियों के साथ में राजकुमारी सरोवर में नहाने गई, वहां किसी राजकुमार को देखा है, उसको देखते ही वो पागल हो गई है, महल में कुछ नहीं खाती पीती है, तो उसका दिल बहलाने के लिए ये सुंदर हार लेकर जा रही हूँ। इतने में चंद्रदत्त ने पांच असरपियों को दे दिया और कह दिया एक पर्चा हमारा ले जाना, उस राजकुमारी को दे देना। तो चंद्रदत्त पर्चे में क्या लिख देता है, जेठसुदी तिथि पंचमी अरे दिन भाद्रपद बार बार अरे दिन भाद्रपद अरे बासर भर के पार पार अरे बासर भर के नाय भोय सिंगार कर तुम चितहु मेरी ओर ओर तुम चितहु मेरी पर कथन तुम लियो देखे को चोर चोर तुम लियो देखे को जादन से मन को मिली नाय चित मेरे को चैन चैन नाय चित मेरे को देवयोग से पाप मैंने कियो है काम राम मैंने कियो है पद्मावती सो राम राम सुन पद्मावती पर्चा और हार साथ मेरे मालिन खुश होकर जाती है पद्मावत राजकुमारी को महल में जाएगा राजकुमारी को पर्चा दिया। उस पर्चे को देखकर पद्मावती बहुत खुशी होती है और पर्चा पढ़कर राजकुमारी ने छाती से उसे लगाया है जिस प्यारे को मैं चाहती थी वो बागों में अब आया है राजकुमारी ने उस पर्चे को पढ़ा और उस मालिन की दिए बहुत इनाम दिया और कह दिया तुम राजकुमारों की सेवा करती रहना। तो देखिए मालिन कहने लगी राजकुमारी राजकुमारों ने इस पर्चे का जवाब मांगा है। तो देखिए अब पद्मावती क्या लिख रही है अपने पर्चा में, जादन से मिले तुम सरावरा पैरवा सरावरा पैर
अरे बोए छोड़ कही जाओ चले तुम जाओ चले तो तुम्हारी हंसी यार मेरी हंसी है। मैं प्रेम तुम्हारे में ऐसी बसी यार ऐसी बसी जैसे जल जाल में नील बसी है। इधर देखिए राजकुमारी ने पर्चा लेकर और मालिन को दे दिया। मालिन ने लेकर पर्चा वो राजकुमारों को दे दिया। तो देखिए राज कुमार रणवीर सिंह ने अपनी प्रेम कागज कर कमलों का पर्चा लिखा हुआ पढ़कर अपनी छाती से लगा लिया। इधर तो राजकुमार इस तरह से पर्चे को छाती से लगा लेता है। उधर पद्मावती को खुशी देकर सारी सहेलियां कहने लगी अरे बहन आज तुझे क्या मिल गया है, आज तो तू बहुत खुश नजर आ रही है। पद्मावती कहने लगी अरे सखियो जिस प्यारे की याद में आराधना परी रहती थी वो आज बिरारू से प्यारा बगीचे के अंदर आया हुआ है। इतने को बच्चन सर को सुनते ही सारी सहेलियां खुश हो जाती हैं और राजकुमारी की माता के पास जाती हैं और सारे हाल को सुनाती हैं। इतने में रानी ने राजा को महलों में बुलवाया और सारा हाल सुनाया। तो राजा ने दो चपरासियों को भेज करके देखिए रणवीर सिंह के लिए महलों में बुलाया और पद्मावती के साथ में शादी कर दी जाती है। इधर रणवीर सिंह पद्मावती की चित्र सारी में पहुंचता है। मेरी खाली है कोठारिया फूल दई के बरिया मैंने फूल दई मेरी खाली है कोठारिया फूल दई के बरिया मैंने फूल दई देख रही कब आवे रे प्राण प्यारो मेरी पाली है कुमारिया बोले नहीं के बरिया पजारी मेरी पतली है कमारिया बोले नहीं के बरिया मैंने फूल दई मेरी खाली है कोठारिया बोले नहीं के बरिया मैंने फूल दई यहाँ राजकुमारी और रणवीर सिंह राजकुमार
आनंद से प्रेम में रहते हैं और उधर चंद्रदत्त बगीचे में मालिन के साथ रहता है। चंद्रदत्त घर मालिन के खुश होकर रहे बगीचे में, रणवीर सिंह आराम करे मकबल के पीछे गली के में। रणवीर सिंह अपने यार से मिलने के लिए रोजाना जरूर जाया करता था। तो एक दिन राजकुमारी पद्मावती पूछने लगी, महाराज तुम कहां जाया करते हो? रणवीर सिंह ने बताया, अरे प्यारी, मेरे बारे पर का यार मेरे साथ आया था, मेरी शादी हो गई, मैं तुम्हारे साथ यहां रहने लगा, और वो मेरा यार तुम्हारे बगीचे में पड़ा रहता है, तो उसका दिल शांति करने के लिए मैं उसके पास रोजाना जाया करता हूं। इतने वचन को सुन करके राजकुमारी ने विचार किया, ये अपने यार से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मुझसे प्यार कम करता है, ऐसा ना करूं इसके यार के लिए मैं मार दूं। प्रातकाल होते ही रणवीर सिंह बगीचे के अंदर अपने यार को दावत देने जाता है और कहता है, भैया तुम्हारी भाभी ने कल तुम्हारी दावत दी है, तुम महलों में जरूर आना। तो देखिए रणवीर सिंह महलों में चला आता है और इधर चंद्रदत्त महलों में भोजन खाने को आता है। तो पद्मावती ने क्या किया, जहर के भोजन कर लियो। पद्मावती ने चंद्रदत्त को तुरंत खवाए दियो, खाए बधाया है, अरे सुगो पैर पसार न साजक मन में छाया है। सुबह को मालया दी है, अरे चंद्रदत्त को देख हाल वो घबरा जाती है। इतने में मालिन रणवीर पास रणवीर सिंह के पास पहुंची और बताया, तुम्हारा यार सर पर डस लिया। रणवीर सिंह घबरा जाता है और अपने यार को देखता है तो मुख से नीले रंग के झाग आ रहे हैं। तो रणवीर सिंह ने समझा ये खत्म हो गया। इतने में रणवीर सिंह ने एक पीनस मंगवाई, पीनस में उसकी लैस को रखवा दिया और चार कहार बुलवाए, उनसे कहा, भैया तुम इसकी लाश को दफन कराओ। तो कहार गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं, उसके लिए ठंडी आम हवा लगती है, तो चंद्रदत्त के लिए कुछ होश होता है। चंद्रदत्त ने कहा, अरे भैया तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? कहार डर गए और एकदम से उस पीनस को छोड़कर भागने लगे। चंद्रदत्त ने आवाज दी और कहने लगा, भैया तुम क्यों भाग रहे हो, मेरे पास आओ। चंद्रदत्त ने अपने कमर से सोने की कंधनी तोड़ी और चार कहारों के लिए दे दी और कह दिया, तुम राजा के लिए नहीं बताना कि चंद्रदत्त को हम जिंदा छोड़े आए, मैं अपने पतन को चला जाऊंगा। तो कहार खुश होकर लेकर चले जाते हैं और राजा को बता दिया कि हम उसे गंगा में दफन करे आए। इधर चंद्रदत्त ने साधु का रूप बना लिया, पीले कपड़े कर लिए, धर जोगी का भेष, तन में भस्म रमाए कर सर पे बांधे के। सब लगने के केस वाले और देखिए बैरागी बनकर धीरे धीरे उसी शहर को चल देता है, कर्नाटक को। लिया चिमटा हाथों में और बगल दबाई मृग छाड़ा, हरि ओम नाम का जाप करे और हाथों में कंची मारा। चंद्रदत्त
चलते चलते वो बहराली कर्नाटक में पहुंचा जाई। उस राजा के महलों के सामने धूनी दीनी लगवाई। साधु का रूप रहा कर्नाटक में पहुंचता है और राजा के महलों के सामने धूनी लगा देता है। उधर रणवीर सिंह का बहुत दुर्बल शरीर हो गया अपने यार की याद में, तो रणवीर सिंह महलों से निकल के हवा खाने को निकलता था रोजाना, तो बाबा को दंडवत करता था। दूसरे दिन रणवीर सिंह महलों से निकल के आया और बाबा को दंडवत किया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम उदास क्यों रहते हो? इतने में रणवीर सिंह ने कहा, बाबा ये मत पूछो, मेरे बारे पर का मेरा यार था, उसे सर्फ डस लिया, वो खत्म हो गया, मैं उसकी याद में रहता हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हारा यार भरा नहीं है, वो जिंदा है। क्या मेरा यार जिंदा है? हाँ जिंदा है, तुमसे कुछ दिन में मिलेगा। इतने में रणवीर सिंह खुश हो जाता है और महलों को चला जाता है। उधर शाम का वक्त हुआ, राजकुमारी पद्मावती सारी सहेलियों को साथ में लेकर के अपने बगीचे को जाती है। जब बगीचे से लौट के आती है तो रास्ते में एक सुंदर बगीचा मिलता है। उसमें एक सौदागर का बेटा अपने जहाजों से सौदा लाया था और उस बगीचे में बैठा था, तो उसके रूप को देख करके पद्मावती दीवानी हो जाती है और अपना भेष बदल करके उस सौदागर के बच्चे के पास पहुंचती है और उससे प्यार की बातें करती है, अपने महलों को चली जाती है। तो रणवीर सिंह उधर राजा से विदा मांगता है, मेरे लिए बहुत दिन हो गए, मेरा यार नहीं मिलेगा और मैं अपने पत्र को जाऊंगा। इतने में रणवीर सिंह विदा मांग कर आता है तो शाम के लिए राजकुमारी से कहता है, कल घर चलने की तैयारी है। इतने में राजकुमारी शाम को वक्त उठी और उस सौदागर के बेटे से मिलने के लिए जा रही थी, तो बाबा ने देखा ये राजकुमारी रोजाना कहाँ जाया करती है, तो बाबा पीछे पीछे उठ के चल देता है। और देखूं कहाँ जाती है नार, पकड़ी हाथों में तलवार, पहुंची जहाँ था उसका यार, करने प्यार प्यार प्यार, करने प्यार प्यार प्यार। इतने में अपने यार के पास पहुंची और यार से क्या कहने लगी जाकर, आओ तुम मेरे दिलदार, रुको जो बन की बाहर, कल तो ले जाए भरतार, अपने घर घर घर, अपने घर घर घर। कहने लगी है कि आज भर के तुम्हारे पास मैं आई हूँ, कल मेरा पति मेरे लिए ले जाएगा। इतने में उस सौदागर के बेटे के लिए गुस्सा आया और उसने इतनी सुन भई आंखें लाल, जीना उसने छुड़ा निकाल, इतनी सुन भई आंखें लाल, जीना उसने छुड़ा निकाल, सारे सर के मुड़े बाल, कापिन भाग भाग भाग, कापिन भाग भाग भाग। इधर देखिए बाबा जी ये सारे किस्सा को देखता रहा। उसने राजकुमारी के सारे सर के बार मुड़ लिए और मार के भगा दिया। राजकुमारी अपने महलों में चली जाती भागती हुई। उधर बाबा को गुस्सा आया, बाबा ने उस सौदागर के बेटे का मुड़ काट लिया और कहीं छुपा दिया, अपनी धूरी पे जाकर बैठ गया। इतने में उस राजकुमारी ने महलों में जाकर शोर मचा दिया। तो देखिए इधर उधर के लोग महलों में पहुंचे और जूड़ीमान महलों पहुंचे, कहने लगे क्या हो गया? राजकुमारी कहने लगी, मेरे स्वामी ने मेरे सर के बार मुड़ डाले। इतने में राजा के दरबार में चपरासी पहुंचे और बताया, जिस राजकुमार से तुमने पद्मावती की शादी की थी उसने राजकुमारी के सारे सर के बार मुड़ डाले और उसे बहुत मारा पीटा है। राजा को गुस्सा आया, उसने कहा उस बेईमान को फांसी दिलवा दी जाए। इतने में सिपाही आते हैं और राजकुमार रणवीर सिंह के लिए सूली को चढ़ाने को ले जाते हैं। इतने में बाबा को मालूम पड़ता है, तो बाबा
राजा के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, सच को सूली दिलाई जाती है और झूठ को नहीं। राजा ने कहा, ऐसा कौन है, कौन सच है कौन झूठ है? तो राजा ने कहा, तुम्हारी बेटी झूठ है और ये सच है। वो कैसे? इतने में साधु ने बताया, तुम्हारी लड़की रोजाना उस सौदागर के बेटे से प्यार करती थी, मैं इसके पीछे पीछे गया तो इसने कहा मैं कल अपने पति के साथ चली जाऊंगी। उसने छुरा निकाल करके इसके सारे सर के बाल मोड़ दिए और इसे मार के भगा दिया। उसका मैंने सर काट लिया गुस्से में, सौदागर के बेटे का, चलो मैं दिखाता हूँ। राजा साथ में चल देता है तो देखिए सौदागर के सर को दिखा देता है बाबा। तो देखिए राजा ने कहा सही है, उस राजकुमार के लिए रिया गया किया जाए। तो देखिए रणवीर सिंह के लिए रिया कर दिया जाता है, दो रियाए मिलते हैं और अपने बत्र के लिए अपने अपने घोड़ा सजाकर चल देते हैं। तो इतने में तोता ने कहा मैने से, अरे मैना नारी जाति कितनी नीच होती है, जिस यार ने अपने प्राणों की आहुत देकर इसके साथ में कितना सुल्लू किया और उसी ने उसके यार के लिए मरवा दिया। नार नहीं नारंगी है, नारंगी ना सारंगी है, ढाके तो दोनों पुल ढाके ना तो नंगी की।